शेमारू के नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। दीपक कुमार, पूरा नाम क्या है आपका? जी बस दीपक कुमार। फैमिली बैकग्राउंड हमारा मतलब है आपके फादर का सर्विस बिजनेस? जी पिताजी को मैंने कभी देखा नहीं सर, माँ ने ही मुझे पाला है। अच्छा, क्या करती हैं वो? घरों का काम करती थी सर, अब कपड़े प्रेस करती हैं मोहल्ले वालों के। 10वीं में 58%, 12वीं में 61%। लेकिन बीएससी में 76% से एसटीएम का टॉपर था मैं, और एमएससी में यूनिवर्सिटी के मेरिट लिस्ट में फर्स्ट। वेल वी कैन सी दैट। पर देखिए मिस्टर दीपक कुमार, हमारा इंस्टीट्यूट सेंट्रल इंडिया का सबसे महंगा इंस्टीट्यूट होगा। यहाँ पर ज्यादातर पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट्स जैसे वीआईपी लोगों के बच्चे पढ़ेंगे। हम उनको यहाँ पर केवल टॉप क्लास की शिक्षा ही नहीं बल्कि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट करवाएंगे। मैनर्स, एटिकेट्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज, यू नो, ऑलमोस्ट लाइक अ फिनिशिंग स्कूल। फिनिशिंग स्कूल जानते हैं आप? जी नहीं, पहली बार सुना है। मैं समझ सकता हूँ, आफ्टर ऑल आपकी माँ, जब खुद उनका ही बैकग्राउंड। मेरे माँ के बैकग्राउंड को समझने की औकात नहीं है आप लोगों की। और रही बात मैनर्स और एटिकेट्स की, तो उसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं आपके सामने बैठा हूं। आप लगातार मेरी जात, मेरी औकात का मजाक कर रहे हैं, और उसके बावजूद ये पेपर वेट अपने जगह पर पड़ा रहा। मैनर्स नहीं होते तो आपके सर पे आपके इंस्टीट्यूट का नाम छाप दिया होता अब तक। थैंक यू जेंटलमैन। अगर आप लोगों ने एक भी सवाल मेरे सब्जेक्ट से किया होता तो आपको पता चल जाता कि इंटेलिजेंस और परफॉर्मेंस बैकग्राउंड का मोहताज नहीं होता। शायद आप भूल गए कि मौका मिला था तो एक हम जैसे ने इस देश का संविधान लिख डाला था। यही घटिया मानसिकता तो खाई जा रही हमारे देश को। यकीन नहीं होता कि ये लोग सब इसी कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, पर ऐसी सोच उनकी, शायद हम ही उन्हें शिक्षित नहीं कर पाए। सर इट्स ओके सर। नो नो इट्स नॉट ओके। मुझे दुख है कि मेरी वजह से आपको ऐसे बर्ताव का सामना करना पड़ा। मैंने तो सोचा था कि जब तक आपकी पीएचडी की पढ़ाई नहीं शुरू होती कुछ अनुभव मिल जाएगा आपको, और फिर थोड़ा बोझ भी हल्का हो जाएगा आपकी मां का। कैसा है उनकी पीठ का दर्द? जी काफी अच्छी है सर। ख्याल रखिएगा। और आपने जो आपके पेपर से ईमेल कर दिए कॉर्नेल यूनिवर्सिटी को? सर मैं सोच रहा था मैं पीएचडी यहीं आपके पास ही करना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं, मेरे साथ जितना आपको पढ़ना था वो आपने पढ़ लिया, अब आपको और आगे पढ़ना है। जी सर। मगर जब तक तू तो अमेरिका नहीं चला जाता, प्रिंसिपल साहब तुझे अपने कॉलेज में नौकरी क्यों नहीं दे देते? माँ इतना सब कुछ कह सर ने मेरे लिए, अब नौकरी भी वही दे दें तो लोग यही बोलेंगे ना कि बस पक्षपात करते हैं। हरिया बड़ा जल्दी आ गया, क्यों रे? भाग आया होगा शाम वाली क्लासेस से, क्यों रे? मास्टर जी नहीं आए आज तो। क्यों, फिर बकरी चोरी हो गई उनकी? बकरी तो मिल गई थी, अब कहते हैं उनकी बीबी तंग आके भाग गई। चुप्पे पगले। आज कंप्यूटर गेम नहीं खेलोगे? नहीं आज जरूरी काम है, डिस्टर्ब मत कर। क्यों, अभी पूरा नहीं हुआ होमवर्क तुम्हारा? नहीं आज भेजना है, तू जा। दीपू भैया सच कबूल लो, हारने से डरते हो इसीलिए नहीं खेल रहे। अरे चलिए और बोरिया बिस्तर समेटिए, अब इनका ही राज चलेगा भाई। सिक्योरिटी गेट बंद करके लॉक करो, लॉक करो तुरंत। यही तो प्रॉब्लम है इस देश में, आजादी है आप जो चाहे नौटंकी कीजिए। जानबूझकर ये लोग हमारे गेट पर डांस तमाशा करने आए,
तुरंत पुलिस फोर्स भेजिए यहाँ। इस टीम में हजारों की संख्या में लोग दंगा करने आए, तुरंत फौरन। पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है सर, ये लोग तो अभी चले जाएंगे। हाँ वो तो जाएंगे ही, ऐसे नहीं तो लात खा के। दूसरी भाषा समझते क्या है आप लोग? कोशिश मत करना, बैल हाँकना भूले नहीं हम अब तक, बहुत महंगा पड़ेगा। शराब कुछ होगा सर, आप जा सकते। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हमारे लोगों को अंदर आना। सर एक मिनट सर। करें साथ। सर प्लीज सर। करें साथ। किस तरह की डिस्टरबेंस थी? हाँ। सब असेंबली में इकट्ठा होंगे अभी। पुलिस को किसने बुलाया था? किसने बुलाया था पुलिस को? जिस तरह से गेट पर दंगे की स्थिति बनी हुई थी, मैंने इस कॉलेज में आज तक कभी भी पुलिस नहीं बुलाई गई, और मुझसे पूछे बगैर आप दोबारा ऐसा कभी करेंगे नहीं। हालात काबू। नेवर नेवर अगेन, एम अंडरस्टूड? यस सर। मैं कभी किसी भी अनुशासन तोड़ने वाले को बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो सभी बच्चे जो अभी इस कॉलेज के गेट के बाहर हुड़दंग मचा रहे थे, उन सब का नाम चाहिए मुझे। यू विल नेवर डू दिस अगेन। आप लोगों ने इस महाविद्यालय की मर्यादा को तोड़ा है। सुशांत सेठ, दीपक कुमार, आप दोनों की इरिस्पॉन्सिबल हरकत की वजह से इस कॉलेज का सर नीचा हुआ है। सर गलती इन लोगों की। एक मिनट, लिसन टू मी। सर मैं बाहर के। लिसन, लिसन टू मी एंड लिसन केयरफुली। लास्ट वार्निंग दे रहा हूं आप दोनों को और आपके साथ जो भी थे। आई विल नॉट टॉलरेट दिस हूलिगनिज्म। मुझे कोई हिचक नहीं होगी आप दोनों को इस कॉलेज से निकालने में। क्या है ये? योगा क्लासेस के टिकट्स। मैं बिजी हूं। इवनिंग शो है बाबा। प्लीज भूल नहीं सकते क्या जो भी हुआ? हजारों साल की कहानी है पूर्वी, हर रोज अनगिनत बार दोहराई जाती है। मैं चाहूं भी तो भूल नहीं सकता। हे, कॉर्नेल का मेल है। तुम्हारा पेपर एक्सेप्ट हो गया, तुम अमेरिका जा रहे हो। कंग्रेचुलेशंस। थैंक्स। साला इतनी भी आजादी नहीं कि खुल के अपनी खुशी मना सके। धिक्कार है हमारे लाइफ पर, धिक्कार है कि छोड़ दिया सुशांत को, मगर अब बर्दाश्त नहीं करेंगे चाहे कोई भी हो। अबे चुप, अब क्या हल्ला बोल रहे हो बे क्रांति का? इतिहास लिख तो दिया सुप्रीम कोर्ट ने, अब जितना कूदना है कूद लेंगे ऊंचा जात वाले। कोई नहीं हिला सकता है 27% का खूंटा। ठोक दिया। हाँ कल सुबह पता चल जाएगा, देख लेना।
किसने किया ये? किसने लिखा ये? हाँ, किसने लिखा ये? है हिम्मत तो सामने आओ। नहीं मानेंगे ये लोग, डरपोक साहब के जैसा डस के बिल में घुस जाते हैं ये। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। जिसने भी किया है गलत किया है। छोटू, पानी ले आए एक बाल्टी। इसको मिटाने की क्या जरूरत है मिस्टर दीपक कुमार? इसको बस थोड़ा बदल दीजिए, आरक्षण के बदले लिख दीजिए खैरात। खैरात हमारे जनसत्ता अधिकार है। पिछले 60 साल से SC ST और अब OBC आरक्षण। हमारे बच्चे दिन रात रगड़ रगड़ के पढ़ते रहे और जब एडमिशन का मौका है तो खैरात लूट लीजिए आप लोग। डर लगता है ना मेहनत करने से। अच्छा, हमें मेहनत का पाठ पढ़ा रहे हैं आप? हमने आज तक और किया क्या है? अरे भूल गए तो फिर से पढ़ लीजिए इतिहास कि कौन मेहनत करके कमाता रहा है और कौन उसे खैरात समझकर लूटता रहा है। अरे सदियों से दक्षिणा ले लेके भर लिया अपनी पेटियां आप लोगों ने और हमसे खैरात की बात करते हैं? आपके खेत जोते हमने, आपके फसलें काटी हमने, आपके मवेशी चराए हमने, आपकी बेटियों की बीवियों की डोलियां उठाई हमने, आपके मुर्दे जलाए, जूते से बैल हाके नाव चलाए, आपके घरों की गंदी नालियों की सफाई की, यहाँ तक कि आपकी टट्टी भी सर पर ढोई हमने। हमें मेहनत सिखाएंगे आप? ठीक कहा आपने, उसी काबिल हैं आप, उतनी ही औकात है आपकी और यही खटिए आप। यहाँ देश के भविष्य को बनाने की बात हो रही है और जो काबिल होगा उसी को मिलेगी जगह, मगर आप लोगों को तो सब कुछ फोकटने चाहिए। सच तो ये है कि कॉम्पिटिशन से डरते हैं आप। किस कॉम्पिटिशन की बात कर रहे हो तुम? वही जो आपने हमें कभी करने नहीं दिया। अरे हमारे लिए तो स्कूल के सारे दरवाजे ही बंद थे, किसी तरह हम वहां पहुंच भी गए तो हमें छांटकर अलग लाइन में बिठा दिया। स्कूल तुम्हारे, अस्पताल तुम्हारे, पुलिस स्टेशन तुम्हारे, सब सुख सुविधा के सारे तंत्र तुम्हारे। पता है तुमने क्यों नहीं दिया हमें मौका कॉम्पिटिशन का? क्योंकि तुम डरते हो बराबरी के कॉम्पिटिशन से, हम नहीं। इतिहास की यार ने अपनी कमजोरी मत छिपा तुम लोग, हमारी जनरेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर हिम्मत है तो चैलेंज उठाओ और लड़ो, मगर वो आप करेंगे नहीं क्योंकि उसके लिए चाहिए मेरिट जो नहीं है तुम्हारे पास। करेंगे मुकाबला मेरिट से भी तुम्हारा, मगर रेस की स्टार्टिंग लाइन एक होनी चाहिए सबके लिए। जाओ पहले अपने बाप से कहो अपनी पुश्तैनी हवेली को छोड़कर हमारे पास आकर बस्ती में रहे और रोज सुबह कंपनी की वर्दी चढ़ाकर ड्राइवर दरबान या चपरासी की नौकरी पर जाए। अपनी माँ से कहो कि अपने एयर कंडीशन आशियाने से निकले और हमारी माँ के पास आकर घर घर झाड़ू बर्तन करें। अपनी बहन से कहो कि रोज सवेरे आँख खुलते ही मोहल्ले की म्यूनिसिपैलिटी के इकलौते नलके से एक घड़ा पानी भरकर लाए। आओ हमारे साथ, हमारी जिंदगी चखो फिर बात करो। करेंगे मुकाबला मेरिट से भी तुम्हारा, और जब तक नहीं करते अपनी बेहूदी बकवास अपने पास रखो। सुशांत क्या हुआ? Get lost. सर किसी के भी साथ, खास करके वाइस प्रिंसिपल जी के साथ, कत्ताई मेरा इरादा नहीं था किसी तरह की विवाद में उलझने का, लेकिन जिस तरह की बातें वहां की गई मेरे लिए चुप रहना मुश्किल हो गया सर। क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई आपको? हमारी पहचान सर, सुशांत और मिथिलेश जी लगातार हमारी जात, हमारे लोगों का इंसल्ट कर रहे थे। आपके लोगों को? ये जात पात वाली पॉलिटिकल भाषा आप कब से बोलने लग गए? आप एक शिक्षक हैं जिसे इन सब चीजों से ऊपर होना चाहिए। यह आपके लिए कहना आसान है सर, लेकिन मेरा जन्म मेरे लिए कोई और विकल्प नहीं छोड़ता। सदियों से गालियां और अपमान ढोते रहे हम, बस अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे सर। विश्वास नहीं होता कि यह भाषा एक शिक्षक की है। आप लगातार एसटीएम के अनुशासन को तोड़ रहे हैं। अनुशासन सर, बाहर सारा समाज एक ऐतिहासिक उथल पुथल से जूझ रहा है और आप बस सोच रहे हैं अनुशासन। इस तरह बात नहीं करेंगे आप मुझसे। ठीक है सर, लेकिन आप मेरे एक सवाल का उत्तर दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपका स्टैंड क्या है सर? मैंने आपको यहां बहस करने के लिए बस अब आप और इस प्रश्न को टाल नहीं सकते हैं सर, क्योंकि अगर आप आरक्षण के साथ नहीं हैं तो आप उसके खिलाफ हैं। बीच का सुरक्षित रास्ता बचा नहीं सर। What is your position?
I do not have to explain my position to you. और इस बिहेवियर के लिए मैं आपके ऊपर अनुशासनिक और मैं उम्मीद भी क्या रख सकता हूं ऐसी जगह से जहां मुझे खरी बात बोलने के लिए सजा मिलेगी और उन लोगों का कुछ नहीं होगा जो एसटीएम के नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं। ये देखिए आपके वाइस प्रिंसिपल खुलेआम के कोचिंग क्लासेस चलाते हैं, लाखों कमाते हैं, मगर उनको सात खून माफ है सर। आखिर उनकी पहचान हमसे अलग है। क्या आप मुझ पर जातिवाद का आरोप लगा रहे हैं? Are you trying to accuse me of being a casteist? धन्यवाद आपका हमारे बारे में सोच के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जा सकते हैं यहां से और दोबारा मेरे सामने आने की कोशिश कीजिएगा मत, कभी नहीं। So, leave. Leave. मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? तुम्हें चल के मेरे बाबा से माफी मांगनी पड़ेगी। यही बोलने के लिए इस बारिश में आई हो? तुम समझते क्या हो अपने आपको? हाउ डे यू टॉक टू माई फादर लाइक दैट? कोई मेरे बाबा को चोट पहुंचाए मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, चाहे वो तुम भी क्यों ना हो। चोट क्या होती है जानती हैं आप? या फिर आपका भी वही तरीका है कि पहले चोट दो फिर उसी से माफी मंगवाओ? यकीन नहीं होता कि तुम इस तरह बात कर सकते। दीपक कुमार तुम जो कुछ भी हो मेरे बाबा की वजह से हो। यू ओ एवरीथिंग टू हिम। ये बात तो सही है, मैं उन्हीं की वजह से हूं और कुछ भी कर लूं मैं चुका नहीं सकता। लेकिन आज पता चल गया है कितना बड़ा बोझ है मुझ पर। वाह, तो मेरे बाबा ने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए वो सब कुछ बोझ बन गए तुम पर? भूल गए तुम कि सालों तुम्हारी हर परीक्षा पर रात भर तुम्हें पढ़ाते रहे? और कुछ नहीं भूला मैं, लेकिन मुझे लगता है वो जो भी करते हैं बस चैरिटी करते हैं और चैरिटी से समाज का असली बदलाव नहीं हो सकता। पूर्वी ठंड से ठिठुरते भीख मंगू को कंबल दान कर तुम अपनी मन की गरीबी को दूर कर सकती हो, उनकी नहीं। मैं तुम्हारी बहस सुनने नहीं आई हूं। तुम बाबा से माफी मांगोगे या नहीं? मैं तुमसे पूछ रही हूं, माफी मांगोगे या नहीं? ठीक है, तो फिर एक बात तुम भी समझ लो, मैं तुमसे कभी नहीं मिलना चाहती। I've gone over your proposal, Deepak. Interesting. I'm lucky to have you as a guide, sir. Dr. Prabhakar Anand says you are the best in applied mathematics. He's a fine man, a great scholar. I think I'll email him right away. What's this? Do you know anything about this?
हेलो हेलो पूर्वी, मैं दीपक बोल रहा हूँ. हेलो, कैन यू हियर मी? पूर्वी, मैं बोल रहा हूँ, दीपक. हाँ, कैसे हो? तुम लोग कैसे हो? सर कैसे हैं? नेट पर मैंने पढ़ा कि सब हाँ सब ठीक है. बाबा ने रिटायरमेंट लिया है. रिटायरमेंट? पूर्वी सब ठीक तो है? सच बता मुझे प्लीज. हाँ सब ठीक है. और तुम? बिल्कुल ठीक नहीं हूँ मैं पूर्वी. जब से घर छोड़ा मैंने, अपने आप को कोसता रहा हूँ मैं. समझ नहीं पाया मैं उनको. कितनी घटिया तरह से बात की मैंने उनसे, कितनी चोट पहुंचाई मैंने उनको. होश खो बैठा था मैं. आई फील सो गिल्टी पूर्वी. मैं माफी मांगना चाहता हूँ उनसे. पूर्वी प्लीज मुझे बात करने दो उनसे. वो ठीक है दीपक, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ. ओके पूर्वी प्लीज. अरे तो इसके लिए अमेरिका से कॉलेज छोड़कर आने का क्या जरूरत है? हमको एक रिंग मार देते. वो मिथिले सिंह का इतना हिम्मत कि गरीबों के मसीहा प्रभाकर जी को टच करे. कट. ए लुटन. जी भैया. फोन लगा कॉलेज में. तुम चिंता मत करो, बहुत मान है पिछड़ा समाज में उनके लिए. जरूरत पड़ा तो मोर्चा लेके पहुंच जाएंगे सब लोग. हाँ हेलो, प्रिंसिपल है लाइन पे दादा. हेलो. अरे नमस्कार नेताजी. नमस्कार तो हम करेंगे आपका. ये मास्टरी छोड़ के दादागिरी कब से करने लगे आप? जी समझे नहीं हम. तो हम आके समझा देते हैं. देखो प्रभाकर जी का बंगला अगर 24 घंटा में खाली नहीं हो गया ना, तो फोटो टांग देंगे दीवार पर माला डाल के. अरे अब हमारी बात कोई सुनवाई नहीं होगा इस केस में मिथिलेश सिंह. अरे आप एक बार पधारिए तो सही. बस समझो खाली हो गया. आइए आइए विश्वमदास जी, आपका स्वागत है. ये आने जाने के बाद छोड़िए मिथिलेश सिंह, ये दादागिरी छोड़िए और हमारे आदमी का बंगला फौरन खाली कर दीजिए. सही बोल रहे हो विश्वमदास, अब तो वो तुम्हारा आदमी हो गया ना, डॉक्टर प्रभाकर आनंद. अरे बाबूराम जी आप. अच्छा है अच्छा है, तुम उनका बंगला खाली करवाओ, वो तुम्हारी सीट खाली करवाएगा. हा? सीट? ये क्या कह रहे हैं आप? और का. अरे तुम पिछड़ों की राजनीति पे हल चलाओ, फसल काट कर ले जाएगा वो. जितना समझते नहीं थे उससे कहीं ज्यादा बड़े बेवकूफ निकले तुम. खेल समझ में नहीं आ रहा है क्या उसका? हा? आरक्षण के सपोर्ट में एक स्टेटमेंट देके उसने तुम सब पे हाथ फेर दिया. अब देखिए कैसे बनता है वो पिछड़ों का नेता. नेता? वो कैसे पिछड़ों का नेता बन गया? आपकी मंद बुद्धि की मदद से. आप करिए सपोर्ट उसका, करिए सपोर्ट. हम काहे करें सपोर्ट? तुम नहीं समझोगे, बहुत गलत आदमी है वो. धन्यवाद, समझ गया मैं. अरे रुको. आई वॉन्ट यू आउट ऑफ हियर. ये घर खाली करो अभी. अरे खाली कर दो, आप कहां के कलेक्टर हैं भाई? अरे सिक्योरिटी 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 सिक्योरिटी.
सड़क पे होते तुम लोग अगर प्रभाकर सर ने पना नहीं दिया होता। क्या सोचा कि वो चुप बैठे कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते रहेंगे और तुम उन पर अत्याचार करते रहोगे? अभी क्या निकलो यहाँ से। सर वो पुलिस को फोन कर दिया है सर, वो दीपक जी यहाँ तोड़फोड़ कर रहे हैं। जो करता है करने दो, बस उसको जाने मत देना, समझे? अरे दिगंबर बाबू, भाई आप लोग लाइव कवरेज करना आजकल बंद कर दिए हैं क्या? मिथिलेश सिंह, आप जिम्मेदार हैं सारे खुराफात के लिए, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। हम भी नहीं डरते, जाके बोल दो उनसे डॉक्टर प्रभाकर आनंद से, जिसने तुम्हें भेजा है। अरे तेरी तो कमजोर समझ रखा है उनको। आखिरी चेतावनी दे रहा हूं, बंद करो अपनी ये दुकान और दफा हो जाए यहां से, वरना उठाकर फेंक दूंगा। गेट आउट। ये कोई तरीका है क्या? हम लोग यहाँ लीगल और शांतिपूर्ण ढंग से कोचिंग चला रहे हैं और यहाँ गुंडे भेज रहे हैं प्रभाकर आनंद। अरे गुंडा किसको बोलता है रे? देख लीजिए, खाल इसको देख लीजिए, चल देखिए, देख लीजिए करता है, देखिए आप, देख लीजिए, चल आप लोग खुद ही देख लीजिए किस लेवल पर उतर आए हैं ये लोग। कहिए क्या बात है? हमारे पास दीपक कुमार के बेल पेपर्स हैं, उनकी जमानत हो चुकी है। अरे छोड़ दो वो हीरो को। ए इधर आइए वकील साहब। संभल जाइए मिस्टर, ये लफंगे नहीं चलेगा हमारे एरिया में। लीजिए साइन कराइए। धन्यवाद वकील साहब, मगर किसने कराया हमारा जमानत? Of hardness of the substance multiplied by multiplication factor kitna hota hai dosto? 81. So today's question is to find the resistance of the circuit VA is equal to VB, VB is equal to VC. Hamesha yaad rakho, sabse pehle exams mein sawal ko do bar, teen bar padho. Okay? Sawal ka uttar hamesha uske andar hi hota hai. Humne to Prabhakar sir ko board par likhne ke saath hi answer bata diya tha. Acha? Kya kaha unhone? Kuch nahi, bas shabashi di. Is equal to कितना होता है? Mass of hardness. मैं समझ गया था कि कोई और मेरी क्लास इस तरह से सबोटाज नहीं कर सकता है। सर हमारा मतलब वो नहीं, हम तो
सर, आप जो भी पनिशमेंट देंगे हम खुशी से मान लेंगे, मगर हमें माफ कर दीजिए सर। मिलेगी सजा, तो जरूर मिलेगी। कल से आप दोनों अपनी क्लास मेरे साथ ही लगाएं।